सच बताऊं तो बेनिफिट सिटी में रहने के ज्यादा है। होलिका दहन कर दहन गया। Here is the winter fun fest. This is an example teacher. Okay. Good morning जी, welcome to another video. और मैं जा रहा हूँ स्नो साफ करने। कल रात को स्नो काफी बड़ी है, टेम्परेचर जो है फील्स लाइक -30 है। बड़े दिनों बाद आज तो थोड़ा लेयर अप करके जा रहे हैं नीचे। आर्या मेरी हेल्पर रेडी हो गई है सामने। चल बुटर आ जा, चलिए लेट्स रोल। ये देखो जी, आर्या ने इतना बड़ा क्रॉस सा बना दिया। अब शुरू करने लगे हैं हम शवलिंग। सब लोग कर रहे हैं सामने शवलिंग, देखो वो भी कर रहे हैं, ये भी। ओके स्टार्ट करें बेटा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आज छुट्टी है यहाँ पे कम्युनिटी में, हमारे मार्टिन्सविल में फन विंटर फन फेस्ट हो रहा है। विंटर में यहाँ पे फन फेस्ट होता है। आर्या और जस्ट जब तक स्नो शवलिंग कर रहे हैं तब तक मैं अंदर सब्जी वब्जी बना दूँ। तो मेरा वहाँ पे देख लो कुकर पड़ा हुआ है। राजमा को सीटी लगने वाली है, उबलने वाले हैं राजमा। फिर मसाला बनाऊंगी साथ साथ, एंड फिर आज प्रोग्राम है, राजमा चावल खा लेंगे शाम को। Good, how are you? Good. Yeah, long time. No. Yeah, it's like a snowball. Yeah. It's crazy, yeah. I mean, I'm still tired when I wake up. Like my dream's still near. Snow spider, my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours, do my hours. Why is everything so damn hard? Gray skies and rain clouds. I postpone everything. Worrying about. And ye log bahar lag gaye hain, and then they'll go. एंड थोड़ा सा इनको काम है, वो अपना ग्रोसरी वगैरह जो फ्रूट रह गया था वॉलमार्ट से और नोफ्रिल से, वो ये लोग लेंगे अभी जाके कोऑप से, हमारे लोकल ग्रोसरी स्टोर से। एंड उसके बाद साथ ही वो फन फेस्ट चेकआउट करके आ जाएंगे। अच्छा हुआ तो फिर मैं, मेरे को पिक कर लेंगे, फिर मैं चल पड़ूंगी। बहुत ही जल्दी काम हो जाता है जब दो लोग होते हैं, और बहुत अच्छा करती है आजकल ये। हाफ ऑफ इट इज़ डन, सिर्फ थोड़ा सा रह गया हाफ करने वाला। ये देखो कितनी तेज़ है, बड़ी हेल्प करती है, मेरी रानी है ये। ये बहुत तेज़ है। When life gives you snow, you make snow angel. आइया देखो, यहाँ के बच्चों को ठंडी लगती, देखो स्नो में स्नो एंजल बना रही है। जब तक जसना शवल कर रहा था, बच्चों के लिए फन है स्नो। अब काफ़ी ठंड है आइया, मुंह लाल हो गया है, कान कवर करो अपने। ड्राइव साफ हो चुका है क्योंकि हमारी ना गाड़ियां निकलती हैं, और जब गाड़ियाँ निकालो ना बिना साफ़ किए तो स्नो स्टिक हो जाती है उस पर, ड्राइववे पे। ये चिपकी हुई तो तभी हिलेगी जब वेदर अच्छा होगा थोड़ा। अब हमारा शवल को फिर से यहीं गाड़ दिया जाए, निकाल लेंगे जब दोबारा स्टॉर्म आएगा। यहाँ थोड़ा अच्छा जॉब हो सकता है झाड़ू से, सो अब मैं थोड़ा झाड़ू कर देता हूँ। बड़े दिनों बाद आज अच्छी स्नो साफ़ करी है। बड़े टाइम से इतनी पड़ नहीं रही थी, आज काफ़ी टाइम, मतलब जब से स्नो वाला हटाया ना आज पड़ी है अच्छी स्नो। सो विच इज़ गुड, अच्छा एक्सरसाइज हो गई। सवेरे पराठे खाए थे आज दाल के साथ, सो अच्छा है कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज हो गई। तीन चार छोटे छोटे काम हैं जो करने जा रहे हैं। फ्रूट लेना है एक पीछे इधर ना, अभी दिखेगा नहीं। साउंड बार पड़ी है एक मेरे पर ना, किचन वाले टीवी पे साउंड बार लगी हुई थी, आई डेंट लाइक इट। JBL की थी, सो आई सोल्ड इट ऑफ। तो मैंने कहा डिलीवर कर देंगे एक बंदे को यहीं पे। एंड देन उसके बाद फ्रूट ले लेते हैं, और ये कपड़े फेंकने हैं डोनेशन में। सो तीन चार छोटे काम है करके फटाफट आते हैं। सिटी कर गई है हमारा तो सारा साफ, देखो फर्स्ट क्लास। स्ट्रीट से सारी स्नो हटा गए हैं सिटी वाले। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है छोटी सिटी में रहने का। इस छोटी सिटी है तो सिटी अपने हिसाब से ना फटाफट जैसे स्नो क्लीन होती है, स्नो स्टॉप होती है, क्लीन कर जाती है। बड़ी सिटी में, आई मीन सिटी ऑफ सैस्कटून हमारे मुकाबले तो बड़ी सिटी है ना, सो वहाँ भी बहुत दिन लग जाते हैं क्लीनअप होने में। यहाँ बहुत जल्दी क्लीनअप होता है,
वही ड्रॉबैक मैं कंपेयर कराता रहता हूँ आपको कि कल को अगर आप आते हो तो सिटी ऑफ सैस्कटून में रहने के क्या बेनिफिट हैं और यहाँ रहने के क्या बेनिफिट हैं। सच बताऊँ तो बेनिफिट सिटी में रहने के ज़्यादा हैं। रीज़न बीइंग सिटी में आपको ना दो गाड़ियों की ज़रूरत नहीं है, डिलीवरी वगैरह बहुत अच्छे से आप घर पर डिलीवरी करा सकते हो, इंस्टाकार्ट है, ऊबर ईट्स है, ऊबर वो सब काम जो वहाँ हो सकते हैं यहाँ नहीं हो सकते। यहाँ आप देखो छोटा सा हमने फ्रूट वगैरह लेने जाना है तो जाना ही पड़ना है और ऑप्शन भी नहीं है, एक ही ग्रॉसरी स्टोर है सिटी में विच इज़ कोऑप एंड आपको पता है कोऑप थोड़ा एक्सपेंसिव होता है लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। सिटी होती तो हम कहीं भी सुपर स्टोर चले जाएँ या वॉलमार्ट चले जाएँ, राइड अवे चले जाएँ, राइट। और ना स्पेशली सिटी जाने का मन नहीं करता, जैसे हम चार चीज़ें लेनी है तो मैंने कहा मैं कितने ज़्यादा पैसे खर्च दूंगा कोऑप पे कि मैं मतलब हम गैस भी तो अपनी लगाएंगे और 20 किलोमीटर्स इजीली तो हम गैस भी लगा देंगे और अगर गाड़ी एक है एक से भी गुजारा हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे एक गाड़ी है, अगर मैं काम पे निकल गया गाड़ी लेके, नेहा को पीछे से कोई काम है, आप स्टक हो घर पे, टैक्सी मिल जाती है, टैक्सी सर्विस, लेकिन टैक्सी भी आने में बहुत टाइम लगाती है। ड्रॉबैक्स है एंड एडवांटेजेस होती हैं यहाँ छोटी सिटी में रहने की। चलो चलें, तैयार हो गए हैं, हम जा रहे हैं हमारे फन सिटी में। आज है फन फेस्ट, विंटर फेस्ट भी है। ध्यान से पीछे नहीं गिरना चाहिए, वो कार्ड पड़ी है, मैं उठा लेता हूँ। चलो जी आइए, लेके आ गई है अपने लिए टोपी। तुम्हारी बिग चैंडलियर की लाइट भी खुली हुई थी। आइए, ने लाइट्स को खुली छोड़ाए थे, आइए बंद करके आई है, वेरी गुड। तुम्हारी नहीं बेटा, हमारी आपकी भी है, हमारी कल्ले की थोड़ी है बेटा। बिल हमारे हैं। ऐसा भी होता है क्या गाड़ियों में? देख ले, हमें तो पता ही नहीं था। नेहा को आदत नहीं है, बड़ी ना गाड़ी रुकी है, मैंने कहा ये वाली गाड़ी में थोड़ा सा स्किड मारते हैं अगले टायर, फ्रंट व्हील ड्राइव है ना, और वैन में बता नॉट यूज टू ड्राइविंग फ्रंट व्हील ड्राइव। नेहा जी तो चलाती है, आई एम स्पॉइल्ड बाय समबडी। नेहा चलाती है ब्यूइक, कर दी लॉक गाड़ी। ये हमारा कम्युनिटी सेंटर है, यहाँ पे कोविड के इंजेक्शन से लेके, वोटिंग से लेके, ब्लड डोनेशन से लेके और विंटर फेस्ट, फन फेस्ट, समर फेस्ट, क्रिसमस पार्टी, सेंटा पिक्चर, सब कुछ यही होता है, सब कुछ। और उसके सामने वो है, हमने कई बार पहले दिखाया हुआ, एक्वेटिक सेंटर, जहाँ पे बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल है, स्मोर्स की खुशबू आ रही है, बारबेक्यू टाइप हो रहा है ना। यहाँ हो रही है आइस कार्विंग, लेट्स गो इन। अरे वाह वाह, मेपल लीफ है। सो इट्स अ होम फन ऑफ या सो यू कैन पिक अ टेम्पलेट इफ यू लाइक, एन इजी वन, ईदर एनीवन यू वांट, ओके व्हाटएवर यू लाइक। आई एम जस्ट गोना गिव दिस एज एन एग्जांपल टू यू। ओके यू गाइस पिक अ शिजल टू, परफेक्ट, एंड देन व्हाट आई वुड डू इज आई वुड ट्रेस इट अराउंड, राइट, एंड देन यू जस्ट drill it after that, yeah, right? And okay, then, and then it's little chips from the outside in. Okay, yeah, let's give it a try. Yeah. आइस कार्विंग के मजे लिए जा रहे हैं, विंटर ये टोपी पहन आती, बस एक ही कमी रह गई, टोपी नहीं पहनी हुई इसने। बाहर एक्टिविटीज हो रही हैं ये सब, आई थिंक वहाँ स्मोर्स हो रहा है, अंदर चल पो पहले। $5 for a family admission. और ना ये मेरा फोन अपनी मेरी जैकेट में छोड़ के आ गई। अरे कोई नहीं लेगा, बहुत ही ऑनेस्ट ऑनेस्ट पीपल है, कह रही कोई नहीं लेगा, शोर बहुत है यहाँ, खाने पीने दुबई से कम नहीं, मार्टिन्सविल में भी ऑनेस्टी काफी है। आर्यना इस फ्लाइट में से आ रही है, मैंने कहा घर पे थी, घर पे ही कर लेती। सोप कार्विंग करने में लगी हुई है, अब देखो उन्होंने कहा है नाम लिखा हुआ है इधर साइड ऑफ द बार, सो लेट्स गेट रिड ऑफ द फर्स्ट नेम। आइए हो गया इस साइड, उस साइड करो अब। सो ये जो नाम लिखा हुआ है ना, हल्का सा आइवरी,
तो ये आइया गेट रेड कर रही है एंड देन दे आर गोना मेक सम ऑफ दीस शेप्स मे बी। आइस कार्विंग के बाद हो रही है सोप कार्विंग। आउल पहले स्टेंसिल पे हमने कार्व करा है फिर उसके बाद आर्या अब इसको सारी शेप कर रही है। पता नहीं क्या बनेगा देखते। कुछ भी नहीं बनेगा इसको इसको बल्कि सोप को कार्व ना करते ऐसे ही घर ले जाते तो कम से कम नहा तो पाते इससे। अब तो तुमने इसका बुरा हाल कर दिया। ऐसे नहीं देंगे वो आपको सिर्फ सोप ना सॉरी। उसको बोलो हमने सोप बनाया है। अच्छा क्यों आर्या देखो कितना अच्छा काट रही है। आर्या बेटा रहने दे आउल बन रहा है। ये आउल तो नहीं लग रहा मेरे को तो नहीं लग रहा भैया। ये ऐसे कर लो ना आप ऐसे सो ऐसे देखो ये आउल है। अच्छा अब लग रहा है आउल। इमेजिनेशन का खेल है जैसे मन की आंखों से देखो तो सब कुछ दिख जाएगा। क्यों आउल के शेर भी दिख जाएगा इसमें। ये कह रही है आई वांट टू मेक अनदर वन। अच्छा अब इससे उग गई है। आजा बेटा चलिए बंद ही नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ चलो 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 ये खत्म नहीं कर रही। 5 बजने वाले हैं टाइम हो चुका है। नेहा जी का सब्र का बांध टूट गया है। ये हंस रही है पर लेकिन गुस्से वाली है अंदर वो, वो, वो है नहीं है, वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग है वैसे हंसते हैं लेकिन गुस्से वाले हैं। कौन सी गोविंदा की पता नहीं कौन सी पिक्चर थी ना। चलो जी चल पड़े फाइनली आई आ गई वापस। ये ना एक्चुअली कम्युनिटी हॉल है तो यहाँ पे किचन वगैरह भी अवेलेबल है। सामने देखो क्रॉकरी पड़ी है। लोग यहाँ पे पार्टी वगैरह करते हैं ना तुम यहाँ पे इसको रेंट कर लो एंड देन यहाँ पे इवेंट हो सकते हैं फर्स्ट क्लास। बड़े ठंडा तो नहीं पुत्र पानी। ओके टोपी पे एटीएम भी है अगर आपको नहीं तो पैसे निकाल के देने हो तो। पैसे क्या करने हैं अन्य कैशलेस इकोनॉमी है नया कैशलेस है सब। गूगल पे करो पेपाल करो क्या कहते हैं उसको वो पेटीएम पेटीएम करो रूपे करो यूपीआई करो। मैं बड़े नए सब सीख के आया हूँ मैं इंडिया से भारत पे। धुआं ऐसे नहीं उठता कहीं तो आग लगती लगती है। चलो जी चलें हमारे छोटी करेंगे थोड़ा सा टोपी देना उसको। अरे यार टोपी के लिए वापस गए थे घर तुम टोपी हाथ में लेके चल रहे हो। आज हमने आइस कार्विंग कर दी बताओ आरिया का भी बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है उसकी फायर बिट की ना। हाँ। हम करेंगे फायर बिट अगले हफ्ते अगला होली के दिन होली जला लेंगे। होली और होली का दहन कर लो दहन कह रहा हूँ दहन कर लो होली होली का दहन। एक्चुअली कल मैंने शिखर धवन का इंटरव्यू सुन रहा था ना मैं तो मैं धवन निकल गया मुझे दहन की जगह सॉरी। वो देखो हमारी हमारे यहाँ भी हिल है जी। चलो बैठो।